साथियों नमस्कार। यदि आप PSEL इंडिया लिमिटेड में पैसा जमा किए हुए हैं और अपना ऑनलाइन भी कर दिए हैं लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला, ये हम सभी लोग जानते हैं, ना ही SEBI के द्वारा अभी तक कोई डेट निश्चित किया गया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे EISO के जिला प्रधान चंद्रपाल जी ने जो है एक बैठक बुलाई हुई है PSEL पीड़ितों की। बैठक में क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, इन सारी चीज़ों का चर्चा हम आप विस्तार से करेंगे और बताएंगे आपको कि ये पेपर में भी निकला हुआ है, पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है, क्या होना है, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जैसा कि PSEL में जो भी निवेश किए थे पैसा, उन लोगों को ऑनलाइन करने की जो समय सीमा दी गई थी 31 जुलाई, वो समाप्त हो गई, पोर्टल भी बंद हो गया। लेकिन बहुत सारे निवेशकों ने अभी पैसा निवेश नहीं कर पाया। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो है पॉलिसी को ऑफिस में जमा कर दिया था, या वो एक्सपायर हो गए खुद नहीं रहे, या जो लोगों ने जो है पॉलिसी को खरीदी थी, तो इन लोगों के लिए अभी तक पोर्टल पर कोई नया अपडेट और कोई नया डेट नहीं आया। जो भी पेपर में समाचार निकला हुआ है वह आज का ही और सुबह 7:30 बजे का है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है उस पेपर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दैनिक भास्कर पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ PSEL पीड़ित निवेशकों की बैठक 11 अगस्त को भिवानी न्यूज, PSEL पीड़ितों की निवेशकों की बैठक 11 अगस्त को भिवानी, EISO के बैनर के तले पीड़ितों को निवेशकों को बैठक 11 अगस्त को। आगे समाचार को मैं आपको पढ़ करके पूरा सुना रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है PSEL पीड़ितों को निवेशकों की बैठक 11 अगस्त को भिवानी, AISO के बैनर के तले PSEL पीड़ितों को निवेशकों की बैठक 11 अगस्त को होगी। AISO के मीडिया प्रभारी राजेश बड़ाला ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता AISO के प्रधान चंद्रपाल करेंगे। वह पीड़ितों निवेशकों के आगामी रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। राजेश बनाला ने बताया कि बैठक में आयोजन पीड़ित निवेशकों का पैसा ब्याज समेत दिलाने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग पर रणनीति बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में पीड़ितों और निवेशकों को फार्म भरे जाएंगे जिसका डाटा सरकार को दिया जाएगा। तो साथियों, आप इस समाचार को पढ़ करके समझ चुके होंगे कि जो हमारे AISO के प्रधान चंद्रपाल जी हैं उनका क्या कहना है, क्या सोचना है कि जो भी निवेशक हैं उनका जो पैसा है वो पैसा ब्याज सहित दिया जाए और पैसा जल्द दिया जाए, इसकी रणनीति यानी सभी PSEL निवेशकों के सहमति से काम होगा। कि सबकी सहमति अगर रहेगी तो सरकार के ऊपर हम दबाव बना पाएंगे और अपनी बात को कह पाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस बैठक में भाग लें और जो भी निर्णय होता है, जो भी हमारे अगुआ लोग निर्णय लेते हैं, उसका सपोर्ट करें, सम्मान करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और बढ़ाएं कि सबको जानकारी हो जाए कि 11 अगस्त को बैठक है। साथियों, अगला जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है PSEL संबंधित, उसको अपने चैनल पर हम तत्काल डालेंगे। यदि हमारे चैनल का आप सहयोग करना चाहते हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ भी सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।